आई एम रागी एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस। और इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल्स के रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वो सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस है, द वुमन हूज डैश डॉटर वॉज अ पॉलिटिशियन केम टू आवर होम। तो यहाँ जो डैश मैंने लिखा है, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, टेल मी, एनी गेसेस? किसी को पता है या नहीं पता है, या मैं बताऊं? Of course, now I'll be telling you. देखिए, the woman whose daughter was a politician came to our home. ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के अंदर यहाँ मैंने जो ब्लैंक छोड़ा है, वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। सो कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। Whose जो वर्ड है, whose, उसके बाद हम किसी भी आर्टिकल का यूसेज नहीं करते हैं, चाहे डेफिनेट हो और चाहे इनडेफिनेट हो। तो ये सेंटेंस एज इट इज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द सेकेंड सेंटेंस, व्हाट काइंड ऑफ डैश मैन आर यू। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए, एन और द, बताइए, कोई गेसेस? सोच रही है मैम एक्सरसाइज है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ हमें आता हो। चलिए मैं बताती हूँ आपको, What kind of men are you? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहाँ पर भी हमें किसी भी आर्टिकल की यूसेज की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जब हम फ्रेज यूज करते हैं काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, इस तरह का जब हम कोई फ्रेज यूज करते हैं, उस फ्रेज के बाद हम किसी भी आर्टिकल का यूसेज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का यूसेज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड, आई मेट डैश गर्ल इन द स्टोर। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आएगा ए। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए। सो आई मेट अ गर्ल इन द स्टोर, यहाँ पर आर्टिकल ए का क्यों यूसेज हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ एक लड़की की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल गर्ल, एक लड़की की बात कर रहे हैं। तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, I met a girl in the store. The fourth one, dash sight is probably the most important sense. देखिए क्या होता है, जब भी हम five senses की बात करते हैं, तो five senses के नाम के पहले कोई भी article का use नहीं होगा। Five senses मतलब sight, hearing, smelling, touch and taste. ये पांच सेंस है हमारे। तो इन पांच सेंस से पहले, जो ये फाइव सेंसेस है हमारे, इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, साइट इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस, सो यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूसेज नहीं होगा। आते हैं फिफ्थ सेंटेंस पे। यस, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? सो वी यूज टू प्ले डैश बास्केटबॉल। बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल मैं यूज करूं, ए को यूज करूं, द को यूज करूं, एंड को यूज करूं? तो मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, क्या है कि यहाँ पर भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, किसी भी गेम के नाम से पहले, किसी भी गेम के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। ठीक है, तो वी यूज टू प्ले बास्केटबॉल, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। सिक्स, ही रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर, बताइए यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा। अब ये मत समझ लीजिएगा कि दो के अंदर कुछ नहीं आया तो इसमें भी कुछ नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, बताइए क्या आएगा। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आर, तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो है एन, बताइए एन क्यों आया यहाँ पर। एंड इसलिए आया क्योंकि जो ये वर्ड है आर, इसकी जो साउंड है वो क्या है, आर। यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, तो साउंड क्या आ गई, आर। और ये साउंड एक वोवल की साउंड है, तो वोवल से पहले तो एन ही आता है, तो इसीलिए ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आर। सेवन, वी सॉ सम फिशिंग बोट्स इन डैश इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक तरह का प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द को यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूसेज रिवर्स, माउंटेन्स,
सीज ओशन इनसे पहले जरूर करते हैं। तो जो मैं बताने वाली हूँ, रिवर्स के नाम से पहले, ओशन के नाम से पहले, माउंटेन्स के नाम से पहले, बेस के नाम से पहले, इन सभी के नाम से पहले हम दो को यूज करेंगे, ठीक है। वैसे प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं होता, लेकिन माउंटेन, सी, रिवर्स, ओशन, इनके नाम से पहले हम द को यूज करेंगे। सो वी सॉ सम फिशिंग बोट्स इन द इंडियन ओशन। तो यहाँ आर्टिकल कौन सा आएगा? द आएगा। द लास्ट वन, डैश संडे बिफोर द लास्ट वॉज हर वर्स्ट हॉलीडे। जनरली हम डेज के नाम से पहले, मंथ के नाम से पहले और सीजन के नाम से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन जब ये सब चीजें पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रही होती हैं, तब हम द आर्टिकल का यूज इनके नाम से पहले करते हैं। यहाँ पर जो संडे है, ये एक तरह से पर्टिकुलर सेंस में आ रहा है यूज, ठीक है। संडे बिफोर द लास्ट वॉज हर वर्स्ट हॉलीडे, तो एक तरह से जो ये डे है संडे, यहाँ पर पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट है एक आर्टिकल की, वो भी डेफिनेट आर्टिकल की, द की। तो यहाँ आएगा द संडे बिफोर द लास्ट वॉज हर वर्स्ट हॉलीडे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, द समर ऑफ 2017। समर क्या है यहाँ पर? सीजन। पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है किस ईयर के लिए? 2017 ईयर के लिए समर यूज हो रहा है, तो मैंने समर के आगे क्या लगाया? द लगाया। तो द समर ऑफ 2017, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट आर्टिकल्स, एंड आई होप आपने बहुत अच्छे समझा होगा। वेल, दिस इज मी राखी सेइंग यू गुड बाय एंड टेक केयर।